दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जितने भी हमारे सतोशी माइनिंग के यूजर हैं, जो सतोशी माइनिंग में माइनिंग कर रहे हैं कोर कॉइन कमाने के लिए, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कि सतोशी में दोस्तों जैसे ही 525 सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, तो ये माइनिंग बंद हो जाएगा। और ये मतलब जो सर्कुलेशन यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, करेंट सर्कुलेशन का ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है, तो लगभग ये आज जो है 525 कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सतोशी माइनिंग का आज अंतिम दिन है ना। तो अंतिम दिन जब सतोशी माइनिंग का है तो जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक काम करना होगा। तो सबसे पहला तो आप लोग ये मतलब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर जो है स्टैकिंग वाला वीडियो नहीं ला रहे हैं, ये ला रहे हैं। दोस्तों स्टैकिंग वाला वीडियो से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यकीन मानिए। स्टैकिंग तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कोर कॉइन को जब मेटामास्क में ट्रांसफर कर लेंगे तो स्टैकिंग वहां भी होगा, वो तो हम बाद में बताएंगे ही, लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, यहाँ पे दोस्तों कुछ आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, एसएस पासवर्ड, ठीक है ना। जी हाँ, कुछ आपको यहाँ काम करना पड़ेगा जो कि बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि वो काम आप पहले ही कर लें ताकि बेटर रहेगा, क्योंकि जब इसका माइनिंग समाप्त हो जाएगा और यहाँ से कोर कॉइन को जो मेटामास्क में आप ट्रांसफर कीजिएगा, तो पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। और वो पासवर्ड डालने के लिए पहले पासवर्ड आपको बनाना पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे एसेट्स पासवर्ड। वो कैसे बनाते हैं वो मैं दिखा दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन भी मिल रहा था, आपको मालूम होगा, तो मुझे भी यहाँ पे बिटकॉइन मिला है जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा। बिटकॉइन तो आराम से ट्रांसफर हो जाएगा, बिनांस में मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, बिनांस में ले जाऊंगा, ठीक है। तो बिनांस में ले जाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे उसको ले जाता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे कंडीशन डाल दिया था सतोशी में कि आपका 0.0002 अगर होता है बिटकॉइन तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और मेरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ मेरा जो बिटकॉइन यहाँ पे है 0.0003 लमसम हो गया है, जिसको मैं ट्रांसफर भी करूंगा। तो दोनों चीज यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एसेट्स पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे और इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे। और सेम प्रोसेस कोर कॉइन का भी होगा ट्रांसफर करने का, अभी नहीं होगा क्योंकि अभी ऑप्शन ही नहीं खुला है। चलिए अपने वीडियो के स्क्रीन पर ले जाके आपको बताता हूँ सारा कुछ, वहां पे दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा बेटर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे वहां पे आपको अच्छा से बताता हूँ सारा प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का स्क्रीन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो चलिए सतोशी माइनिंग में लेके आपको चलते हैं, वहां पे आपको दिखाते हैं कि भैया देखिए लास्ट दिन है यार सतोशी का। ये देखिए दोस्तों सतोशी माइनिंग आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, है ना, ये देखिए यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सतोशी माइनिंग में, यहाँ पे जब हम माइनिंग पे जाते क्लिक करते हैं, यहाँ पे माइनिंग पे क्लिक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे सर्कुलेशन करीब करीब दोस्तों 524.36 बन गया है। ये मैं करेंट का दिखा रहा हूँ अभी, आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 525 बनने में ज़्यादा नहीं है, 0.74 अभी है, तो हो सकता है आज तक ये कम्प्लीट हो जाए, ठीक है ना। मतलब आज आपका दोस्तों सतोशी माइनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरा 135 कोर बन चुका है और दोस्तों देखिए अब यहाँ पे 43 है और यहाँ पे दोस्तों कितना है, यहाँ पे 27 है। अभी तो एक कोर नहीं बन रहा है, रिसीव कोर पे मैं क्लिक कर लेता लेकिन अभी बन नहीं रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे तो आप समझ गए कि चलो भैया आज अंतिम दिन है, तो आज अंतिम दिन में क्या क्या करना है चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आना है मी पे, मी पे आइएगा। मी पे आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, इस पे जाइएगा, हेलो लिखा हुआ है इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब आपका जो आईडी है दोस्तों यहाँ पे दिखेगा आपका आईडी, उस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एसेट्स पासवर्ड लिखा हुआ है ना, एसेट्स पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे अपना एसेट्स पासवर्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड एसेट्स पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड है, कन्फर्म पासवर्ड है। एक्चुअली में दोस्तों मैं पासवर्ड बनाया था लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ, तो ठीक है फॉरगेट पे मैं क्लिक करता हूँ। आप लोग जब ओपन करेंगे, आप पहली बार जब एसएस पासवर्ड बनाएंगे तो आपको न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आएगा, ओल्ड पासवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये उसी को आएगा जो ऑलरेडी पहले बना चुका है, हमको याद नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, आर श्योर यू नीड टू रीसेट योर एसएस पासवर्ड, आफ्टर सक्सेसफुली रीसेटिंग द एसेट्स पासवर्ड यू कैन विदड्रॉ एंड ट्रांसफर फंड्स आफ्टर 24 आवर्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है कि अगर आप पासवर्ड चेंज करते हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र आप करेंगे यहाँ से एसेट्स को, तो आपको 24 आवर्स के बाद करना होगा। अब लफड़ा मेरे साथ ये है दोस्त कि यहाँ पे हमको याद है नहीं,
और यहाँ पे पासवर्ड हमको बनाएंगे तो जाहिर सी बात है हमको 24 आवर्स के बाद ही यहाँ पे हमको बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने का मौका देगा। तो दिक्कत है, तो भैया मैं क्या करूँ, मैं तो कर भी नहीं सकता हूँ। इसलिए आज मैं आपको ये बिटकॉइन जो यहाँ पे मेरा बन चुका है, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो बिटकॉइन है BTC 0.0038, इसको मैं विड्रॉ तो कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे, विड्रॉ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों वो हम एड्रेस डालेंगे, बिनांस का एड्रेस डालेंगे और SS पासवर्ड। लेकिन हमको SS पासवर्ड तो याद ही नहीं है। अब जब याद नहीं है भैया तो जाहिर सी बात हो नहीं पाएगा। तो 24 आवर्स यानी कि समझिए कि कल, अब कल ही हमको आप वीडियो बनाना पड़ेगा कैसे हम बिटकॉइन को ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए दोस्तों सॉरी, मैंने वीडियो में तो पहले बता दिया है, मुझे मालूम नहीं था, मैंने बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया भी है कि भैया बोल रहा है कि 24 आवर्स के बाद होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, कल मैं फिर आपको दिखा दूंगा कैसे बिटकॉइन को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप कोर क्वाइन को भी विड्रॉ कर सकते हैं। देखिए विड्रॉ पर क्लिक कीजिएगा तो अभी नहीं आएगा, यहाँ पर लिख रहा है कोर विड्रॉ इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट। चूँकि अभी तो माइनिंग चल रहा है तो ऑप्शन तो खुला नहीं है, खुलेगा उसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं बिटकॉइन कल ट्रांसफ़र करके दिखा दूंगा और स्टैकिंग वाला भी मैं कल ही बता दूंगा आपको, ट्रांसफ़र भी करूंगा और स्टैकिंग वाला ही बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल दोस्तों एसेट्स पार्सल दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्लिक करते हैं हेलो पे, उसके बाद दोस्तों एसेट्स पार्सल पे क्लिक करते हैं, यहां पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। आप लोग फॉरगेट नहीं कीजिएगा, चूँकि आप तो नए हैं तो आपको सिर्फ न्यू पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड आएगा, मैं तो बना चुका हूँ। रिसेट पर क्लिक कर लेते हैं। If you do not receive the email, please check whether email is in the trash spam। अब दोस्तों ये हमारे ईमेल पे एक मैसेज भेजा है, चलिए ईमेल पे चलते हैं। ईमेल पे एक मैसेज आया है, उस मैसेज को यहाँ पे दोस्तों खोलते हैं। वहाँ पे लिखा था कि अगर आपको इनबॉक्स में नहीं आता है तो हो सकता है स्पैम में, देखिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सतोशी में आ गया है और यहाँ पे ये दे रहा है दोस्तों कि आपका जो है वेरीफिकेशन कोड है यहाँ पे 161607। यहाँ पे डाल देते हैं दोस्तों, टाइमिंग चल रहा है 161607 161 ले। फिर से दोस्तों ये हो गया, मतलब आप बैक नहीं जा सकते हैं, यहाँ भी ये भी लफड़ा है। तो चलिए भैया हमको फिर से करना होगा रिसेट। चलिए मैंने रिसेट कर दिया, फिर से एक ईमेल गया होगा, हमको कंफर्म इस बार करना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे 11 सेकंड बचा हुआ, चलिए यही है, यही है, इसी को मार लेते हैं, यही है दोस्तों 161607 कन्फर्म पर क्लिक कर दिए। देखो यहाँ पर देखिए खुल गया, अब यहाँ पे आ गया ऑप्शन दोस्तों एसएस न्यू पासवर्ड, एसएस पासवर्ड कन्फर्म एसएस पासवर्ड, यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नया पासवर्ड हम बना लेते हैं, आप लोग भी अपना पासवर्ड बना के याद रखिएगा उस पासवर्ड को। देखिए हम भूल गए थे, भूलने का नतीजा यही हुआ कि आज मैं विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ अपना बिटकॉइन। 24 आवर्स का यहाँ पर हमको दंड मिल गया है, ठीक है। चलिए पासवर्ड हम बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पासवर्ड बना लिया है, यहाँ कन्फर्म पर क्लिक कर देना है, चलिए कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। एसेट्स पासवर्ड रिसेट सक्सेसफुली, अब दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है ना, मतलब एसएस पासवर्ड हमने बना लिया है, आप लोग ही बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये ज़रूरी है करना, क्योंकि बिना एसएस पासवर्ड के आप कोई भी एसेट, चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर कोर क्वाइन हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, विदड्रॉ नहीं कर सकते, वो आपको एसएस पासवर्ड खोजेगा ही खोजेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चलिए बैक हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर विड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन आता है, विड्रॉ करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम एक बार विड्रॉ करके दिखाते हैं आपको, हो सकता है कहीं हो जाए, एक बार ट्राई करने में किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम अपना एड्रेस डालते हैं बिनांस वाला, तो आपको बिनांस में जाना है, बिनांस का जो बिटकॉइन का वहाँ का एड्रेस है वहाँ पर डिपॉजिट पर जाके वहाँ का एड्रेस कॉपी करके यहाँ डाल देना है। वो तो आपको करने आता ही होगा, नहीं आता होगा उसका कॉमेंट कीजिएगा, वीडियो हम बना देंगे। चलिए वो एड्रेस यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया है ना, उसको मैं अभी हाइड करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट डालने के लिए, तो मेरा अमाउंट यहाँ पे टोटल है, देखिए यहाँ पर कॉपी होता है जो कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, ऑल पे क्लिक कर दिए। देखिए दोस्तों बगल में ऑल लिखा हुआ है, सभी को हम निकालना चाहते हैं, ऑल पे क्लिक कर दिए, एसएस पासवर्ड यहाँ डाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपना एसएस पासवर्ड भी डाल लिया है, या BTC विड्रॉ पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या आता है, BTC विड्रॉल विड्रॉल एड्रेस, इतना एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है, इतना करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है कि इफ़ यू, मतलब वेरीफिकेशन गया है, ईमेल पे मेरा कोड गया है, उस कोड को यहाँ पे लाते हैं, डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोड को देखिए, कोड आया होगा, एक कोड आया है दोस्तों 241471, यहाँ पे डाल देते हैं 241
471 यहाँ पे डाल के दोस्तों कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं, ये आपका प्रोसेस हो गया। नो विड्रॉल विद इन 24 आवर्स आफ्टर द फंड पासवर्ड वो चेंज। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज नीचे आ गया कि भैया आप नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपने पासवर्ड रिसेट किया है, तो 24 आवर्स के बाद। देखिए प्रूफ मिल गया ना आपको, तो चलिए कोई बात नहीं है, 24 आवर्स के बाद ही हम निकालेंगे, क्या दिक्कत है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ये एसएस पासवर्ड बना लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, तो ये इंपॉर्टेंट काम है, आप लोग कर लीजिएगा। आज अंतिम डेट है सतोशी में माइनिंग का, तो प्लीज़ आप लोग ये काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया, समझाया, दिखाया आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे पार्सल आप लोग बना लेंगे, और देखिए बिटकॉइन को हमने ट्रांसफर कर लिया बिनांस में, कितना जल्दी आ भी गया, तो चलिए अच्छी बात है। आप लोग का भी अगर बिटकॉइन बन गया होगा वहां पे 0.0002, तो आप भी विड्रॉ कर सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो भैया आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप लाइक करें या ना करें, डिसलाइक करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये वीडियो जाए, पहुंचे, वो देखे, जानकारी ले सतोशी माइनिंग के बारे में कि भैया अंतिम दिन है, क्या हलचल है, क्या होगा, ठीक है ना। तो सारा कुछ अपडेट मैं देते रहूंगा वीडियो के माध्यम से, बस बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो, क्योंकि अगर नहीं करेंगे सब्सक्राइब तो वीडियो भैया मिस कर जाएगा, फिर बाद में आप पछताते रह जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय भारत, जय की बोर्ड 91, जय 5 बिलियन सेलर को, जय टू।